सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को और पाइए चैनल से जुड़ी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर अस्थी और मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूँ। सूचना उन लोगों के लिए है जो कि सिपाही भर्ती के लिए, जो उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन जो लोग नहीं कर पाए थे अभी तक, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में आवेदन नहीं कर पाए थे, किसी कारणवश उनकी डेट नहीं थी, डेट ऑफ बर्थ नहीं थी, उनके लिए एक बहुत पूर्ण पोस्ट ये है। और जिन लोगों ने अप्लाई किया भी है उनके लिए एक मौका और भी मिलने जा रहा है, तो उनसे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आया हूँ। इन्फॉर्मेशन के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। सब्सक्राइब बटन वहाँ पर आके जहाँ आप वीडियो को ओपन करते होंगे तो नीचे सब्सक्राइब बटन आती होगी, सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करिए और बगल में ही उसके जस्ट बगल में एक बेल आइकन बना हुआ है, उस बेल आइकन को आप जरूर दबाइएगा, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तब तक मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं पहुँचेगी। अगर आप उस बेल आइकन को दबा देते हैं तो आपके पास मैसेज के माध्यम से ही इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। तो चलिए देखते हैं वो वीडियो है क्या, क्या इन्फॉर्मेशन है। ये जो इन्फॉर्मेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन SSC के द्वारा निकाली गई इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन निकाले हुए काफ़ी 2-3 दिन हो चुके हैं और 2-3 दिन पहले ये जानकारी दी गई थी, लेकिन मैं आज आपके सामने जानकारी इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि मैं अपने चैनल पर उन्हीं वीडियो को अपलोड करता हूँ या उन्हीं इन्फॉर्मेशनों को लेकर आता हूँ जो 100% सही हूँ। अगर कोई भी 1% का भी डाउट होता है तो मैं पहले वेट करता हूँ, पहले चेक करता हूँ कि क्या ये जो इन्फॉर्मेशन आई है वो सही है या गलत है। जब तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती तब तक मैं उसे अपलोड आपके नहीं करता हूँ, इसलिए जिससे कि आप लोगों इस इन्फॉर्मेशन को पढ़कर कहीं किसी प्रकार से भ्रमित ना हो। तो जो इन्फॉर्मेशन है ये 100% सही है, आप SSC.NIC.in की साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। वहां पर जो इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया जा रहा है वो इन्फॉर्मेशन वहां पर इस समय उपलब्ध है। इन्फॉर्मेशन ये है, चलिए देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है। ये जैसा बताया इन्फॉर्मेशन जो है कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निकाली गई है, SSC द्वारा निकाली गई जो है इन्फॉर्मेशन है। और इन्फॉर्मेशन में ये बताया गया है कि कैंडिडेट में रिफर टू द एनुअल कैलेंडर एग्जामिनेशन 2018-19 वेबसाइट ऑफ द कमीशन ऑफ फर्स्ट फरवरी 2018। मतलब ये है कि वो कैंडिडेट जो लोग एनुअल कैलेंडर मतलब वार्षिक कैलेंडर के बारे में SSC ने उनको जानकारी दी है और ये वार्षिक कैलेंडर जो है वो 2018 और 19 का है, उन्होंने ये अपने ये जो इन्फॉर्मेशन जो है ये अपलोड जो उन्होंने की थी वो 1 फरवरी 2018 में उन्होंने अपना पूरे वर्ष 18 और 19 का कैलेंडर अपलोड किया है अपनी साइट पर। और वो कैलेंडर में जो वैकेंसियां आनी है पूरे वर्ष में किस तारीख को कौन सी वैकेंसी आएगी उसकी जानकारी उन्होंने दी है। उस जानकारी के आधार पर अगर देखा जाए तो उन्होंने सबसे पहले जो महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के बारे में बताया है और वो जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है वो जो है 21 अप्रैल 2018 मीन्स 21 अप्रैल से स्टार्ट होगा। और जो 21 अप्रैल को इसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया गया कि 21 अप्रैल से जो है वो 5 मई तक ये जो है इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, मतलब 5 मई को कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो फॉर्म है वो उसका अप्लाई जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो 5 मई से ग्रेजुएट लेवल का जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल SSC ग्रेजुएट लेवल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इसमें सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ये है कि जो लोग SSC GD के लिए अभी तक वेट कर रहे थे उसके लिए उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये निकाली है कि जो ये SSC GD का जो अप्लाई होना है जो 2017 से रुका हुआ है, ये भी बताया उन्होंने कि 2017 से ये जो वैकेंसियाँ हैं वो रुकी हुई हैं सन 2017 से, तो 2017 के बाद सन 2018 में जो वैकेंसी जो 2017 में नहीं निकल पाई थी उसकी वैकेंसी के लिए उन्होंने बताया है कि वो वैकेंसी जो है वो 9/6/2018 9 जून 2018 से ये जो है ये अप्लाई होना स्टार्ट होगा। ग्रेजुएट लेवल का जो इन्फॉर्मेशन है ग्रेजुएट लेवल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो 5 तारीख से वो अप्लाई होना स्टार्ट होगा 5 मई से। और जो SSC GD जो सबसे महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो सिपाही भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है कि वो वैकेंसी जो है वो 9 जून से प्रारंभ होगी, 9 जून से अप्लाई स्टार्ट होगा। लेकिन अभी तक ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है सामने कि कितनी वैकेंसी होगी, कितने हज़ार कैंडिडेटों को वो लेंगे, कैसा क्या
पैटर्न होगा एग्जाम का, ऑनलाइन एग्जाम होगा या ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं बताई गई। तो जो इन्फॉर्मेशन अभी हमें प्राप्त हुई है वो ये प्राप्त हुई है कि ग्रेजुएट लेवल का जो फॉर्म भरा जाएगा वो 5 तारीख से स्टार्ट होगा, 5 मई से स्टार्ट होगा, और जो SSC GD की वैकेंसी जो है वो 9 जून से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। और भी कोई इन्फॉर्मेशन यदि हमें वो प्राप्त होती है सिलेबस से रिलेटेड, या क्या उसमें पैटर्न रहेगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो वो मैं आपके सामने जरूर लेकर आऊँगा वीडियो के माध्यम से। लेकिन ये जानकारी आपको तभी प्राप्त हो सकती है जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगर वीडियो पसंद आ रहा है उसे लाइक करेंगे, और हमने बताया जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करेंगे। जब तक बेल आइकन नहीं क्लिक करेंगे तब तक आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी। तो चलिए इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप SSC GD की तैयारी में जुट जाइए। अभी हमने आपको उसके पहले वीडियो को अपलोड किया था, उसमें बताया था कि 9 जून को UP पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम जो हैं वो स्टार्ट होंगे, 9 जून को महिलाओं की परीक्षा होगी और 10 जून को पुरुषों की परीक्षाओं के बारे में उन्होंने ऑफिशियल साइट में अपलोड करके बताया है। तो जब तक वो एग्जाम नहीं खत्म होता है तब तक दूसरा एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाइए जो कि आने वाला है SSC GD का। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो।